हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो शाम में एसडीएम संदीप कुमार ने अनाज मंडी और खरीद केंद्रों का दौरा किया। एसडीएम ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि सभी खरीद केंद्रों पर कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को खरीद केंद्रों पर सफाई व्यवस्था, बिजली, पीने के पानी और बारदाना की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैंने एक तो ये कहा कि बाहर से, राजस्थान से या कोई भी पड़ोसी राज्य से ये हमारे ये या सरसों नहीं आनी चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा मिला। और ये जो खराब जो बारिश के कारण थोड़ी वो जितनी ये हो रही है, जो हमारी जो अनाज खराब हुआ है उसको लोडिंग नहीं करवानी है और अच्छे से लिफ्टिंग का काम तेजी से किया जाए। जब सूख जाए तभी डालनी है, तभी डालनी है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये ऐसा करेंगे तो। मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूँगा।